कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी और थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने आज थानेसर और पीपली के अनाज मंडियों का दौरा किया। दोनों मंडियों में सांसद और विधायक ने किसानों और व्यापारियों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। थानेसर अनाज मंडी में किसान और आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों सहित व्यापारी और आमजन की समस्याएं सांसद और विधायक ने सुनी। इसके बाद दोनों पीपली अनाज मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से बातचीत की। पीपली अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान मामचंद ने सांसद और विधायक का आभार व्यक्त किया। दोनों ने मंडी में आकर उनकी समस्याएं जानी। थानेसर अनाज मंडी में बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत में सांसद और विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि वह हर मंडी में जाकर किसानों और व्यापारियों की समस्याएं सुनेंगे। देखिए, जो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि जो लिफ्टिंग का है और परचेज का है, 72 घंटे के अंदर किसान को वो पेमेंट जाएगी, और उसको लेकर के आज हम मंडी के अंदर आए थे। अभी किसानों से भी हमारी बातचीत हुई है और कोई और समस्याएं हमारी आढ़तियों से भी आज बातचीत हुई है कि कोई समस्या कोई बात हो तो अधिकारीगण सभी साथ हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सभी खुश हैं और लिफ्टिंग भी बढ़िया चल रही है, पैसा भी आ रहा है एडवांस में। जैसे जो ही पैसा मंडी की गेहूं की परचेज होती है, तुरंत पैसा आ जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज मंडी में आना हुआ है और ठीक काम चल रहा है। बिल्कुल, मंडियों में दौरा करेंगे, क्योंकि हर बार मंडियों में जाना होता है। किसान की जो समस्या है, अगर कोई समस्या ना आए किसान को, उसको लेकर के हम लगातार किसानों से भी बातचीत करते हैं और आढ़तियों से भी हम बातचीत करते हैं, कहीं किसी प्रकार की किसी किसान को कोई दिक्कत या आढ़ती को ना हो। और जो प्रशासनिक लेवल के ऊपर, सरकार के लेवल के ऊपर भी जो भी सुविधा है यहाँ देने की बात है, वो सारा का सारा उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आज मैं और आदरणीय एमपी साहब नायब सिंह सैनी जी कुशेत्रा मंडी का यहाँ पर दौरा करने आए। हमारे किसान भाइयों से भी बात हुई, हमारे आढ़ती भाइयों से भी हुई और मजदूरों से भी बात हुई। सभी वर्ग बहुत खुश है और बहुत बड़ी बात यह है कि पहले जो लिफ्टिंग के लिए 2-2 हज़ार रुपये गाड़ी आढ़ती को देनी पड़ती थी, आज वो बच्चा सिस्टम लाया ऑनलाइन रेडी टू लिफ्ट, इतनी जल्दी जिसपे क्लिक करते हैं और गाड़ी उनके पास आ जाती है। उस सिस्टम में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, उसके लिए आज चंडीगढ़ हमने बात करी है और वो भी सिस्टम ठीक बन रहा है, उसको होगा लिफ्टिंग हो जाएगी। पेमेंट की बात जहाँ कहें, पेमेंट भी अभी 7 और 8 तारीख की पेमेंट बैंक में सीधे किसान के खाते में आ चुकी है। मेरे हिसाब से किसी किसान भाई को, आढ़ती भाई को, दूर भाई को कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आज मैं और एमपी साहब यहाँ हैं, कोई अपनी दिक्कत हम सुनने हैं, किसान भाइयों से बात करिए, सभी से बात करिए, और भी किसी की समस्या हो हमारे समक्ष रखें, हम लोग सुनेंगे। हाँ जी, किसान संतुष्ट है। अभी हरदेव सिंह जी ने आपके सामने बात करी है, ये सानी फार्म के बहुत बड़े फार्मर है, किस प्रकार से उन्होंने बात करी, और भी किसान खड़े हैं, बिल्कुल संतुष्ट। उनका मटेरियल बड़ा आराम से जो वीट आ रही है, आराम से तुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक, नमस्कार सर। नहीं, अभी मतलब फिलहाल तो ठीक है जी, लिफ्टिंग भी बढ़िया हो रही है और तोल भी सही चल रहा है जी, बढ़िया, मतलब समय पे सारा काम हो रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है मतलब। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं सभी का जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया तरीके से सारा काम कवर हो रहा है, बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल जी, हाँ, मंडी का निरीक्षण किया, जो समस्याएँ थी मौके पर बैठकर ऑफिसरों को फ़ोन किया और हमारी समस्या हल हुई। हाँ, फायदा जैसे अफड में उसकी दिक्कत है, हमारा ये पोस्टल बंद हुआ है, इसके बारे में भी बात की, सीए साहब से करेंगे और ये भी चालू करेंगे। मैं मंडी का ठेकेदार हूँ, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में ट्रक बहुत हैं, लेकिन पोर्टल की कमी के कारण ना ही गेट पास कर रहे हैं, और गेट पास कर जाते हैं तो मंडी में लेबर की कमी है, जिसके कारण लोडिंग नहीं हो रही है, और ये सारा काम आजाबाद में मेरे को भुगतना पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं आप, ये पोर्टल ठीक हो जाए, पहले की तरह लोडिंग हो जाए? तो सांसद जी से मिले, विधायक से मिले, तो क्या उन्होंने कोरा आश्वासन दिया और कुछ नहीं दिया।